आपकी जो किताब है औरंगजेब पर जो आपने लिखी है, जो कि बहुत ही हम लोग वेट कर रहे हैं उस किताब के लिए कि जल्दी आए मार्केट में पढ़ने का हम लोग को सौभाग्य हो, उसके बारे में कुछ जिक्र कीजिए और कुछ और बताएं हम लोग को औरंगजेब के बारे में, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प ये है। आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। खुद गाता बजाता था, देरी था, दीपक प्रेमी था, दीपक की बगीचे रखता था, दीपक की दो बंदिशा उसके रचेली मेरे संग्रह में है, कई बन जाते हैं, कई माताएं जानता था, वो माता भी था। और अपने कटी लपी होने के बाद बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर वो पहुंचा। दस साल के बाद जो दरबार में गाना बजाना नहीं होना चाहिए, दरबार उपयुक्त जगह नहीं है गाने बजाने की, वहाँ फैसले लिए जाते हैं, वहाँ गाना बजाना नहीं होना चाहिए। यही सोच विचार के उसने उस दरबार में निषेध किया है संगीत को, बाहर नहीं, बाहर सब जगह गाना बजाना होता था, जैसे पहले होता था जैसे संगीत नहीं हुआ करता था। और जो शुद्ध संगीतकार था, गीतकार था, पंडित का वो संगीत से नफरत कैसे कर सकता है, ये उनकी तालीम के बारे में कुछ बता रहे बताया। उसकी तालीम मुल्ला सलाह नाम के एक उसके पर चलती थे, जो अमीर में अगर जपाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब उससे बहुत ही छुपा रहते थे और ऐसे बहुत ही फटकर है उसने अपने बेटे को। आपने मेरे जिंदगी के शुरुआती दिनों के 12 साल बर्बाद कर दिए, इससे ज्यादा को जो तालीम दे तो पहले थी वो आपने नहीं दी, और क्या कुरान शरीफ से पढ़ी नहीं मैंने कैसे हो सकता है, और ये इससे ज्यादा को युद्ध के ऊपर किले की घेराबंदी करना, लड़ाई कैसे की जाती है, ये सारी बातें और प्रजा को अधिक चुनते कैसे किया जाता है, मजहब को व्यक्ति परक मानता था, वो खुद नवाजी था, पांचों रोज नमाज करता था, धर्मांध नहीं था, धर्म परायण था। तो ये यही कंफ्यूजन करते हैं जो सब के लिए एक धर्म परायण और एक धर्मांध होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप अंदाजा लगाइए जो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया था कि हिंदुस्तान के किसी जमाने में यहाँ तक कि अशोक समुद्रगुप्त सौरभ इन सारे लोगों की साम्राज्य की सेवाएं आप देख लीजिए और औरंगजेब के साम्राज्य की सेवा देखिए, इतना बृहत साम्राज्य का ये स्थापना करना ये मामूली बात नहीं थी। अगर वो कट्टर होता और धर्मांध होता तो ये काम नहीं कर सकते थे, उसका साम्राज्य इतना विस्तृत नहीं हो सकता था उसको, क्योंकि प्रजा में हर मजहब के लोग थे और उसमें हिंदुओं मुसलमानों को मैंने कहते माइनॉरिटी था और हिंदुओं से बड़े मोल लेकर के पंजाब पाकिस्तान बिल्कुल ही असंभव था उनके लोग थे। तो ये सारी चीजें थी मैंने कहते हैं, और संगीत ऐसी चीज है ये तोड़ने का काम करता है, ये तोड़ने का काम नहीं करता है, इसलिए खुद अपने संगीतकार होने के नाते इन सारी चीजों को वो महसूस करता था और उसी के मुताबिक वो रास्ता करता था। तो जितने गाने बजाने वाले दरबार में थे सबको संख्या मिलती थी और उस दरबार में पहले वो आएंगे बादशाह के सलाम बजाएंगे, लेकिन गाना बजाना नहीं हुआ, बाहर गाना बजाना होता था और खुद सुनता था, वो जितने वो जमाना दुखपत का था गेम का था, जितने गीतकार और पुष्पी आते थे तो बहुत ही इनाम इकराम से नवाजता था। ये सारी बातें और पंडित बच्चे की उसकी बेटी देवी मुक्ता जो थी वो शायरा और गजल शायरा थी, तो ये सारी बातें हैं मैंने कहते हैं एक पर्सनल ट्यूटर को इस तरह से नकारना ये भी एक हर
ये आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जी हम लोग बहुत ही वेट कर रहे हैं आपके इस किताब का। एक इसी में कहानी तो ऐसी बनते चलती है ना, एक मैंने बताया कि कहानी की, जैसे कि उस आदमी को 1,00,000 रुपए उन्होंने इनाम दे दिया कि सुना क्या आया था। उसी तरह से एक कहानी उसी किताब में लिखी थी कि एक तरफ लिख रहे हैं कि एक संगीतकार को उन्होंने 1,00,000 रुपया दे दिया, दूसरी तरफ लिखा कि जब वो औरंगजेब ने 1668 में जब बैन किया तो उस संगीतकार लोग अपने तानपुरा वगैरह को ले जाकर के दफना दिए जा रहा था। जी क्या है वो व्यंग? लेकिन संगीत जाने वाली चीज है और कुदरती है। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब ने भी आराम नहीं था, कुरान शरीफ में कभी इसका जिक्र नहीं है, ये बहुत सुखी हराम है। बहुत सारे पैगम्बरों का जिक्र है कुरान शरीफ में, और मौसीकी के गाँव हो गए पैगम्बर। तो जब इस तरह की बातें हैं लेकिन उस वक्त जो महफिल गायकी थी और औरंगजेब के जमाने में वो तो करीबन काफी कम हो गई। अब क्यों कम हुई, होती होगी जरूर, चाहे तो लोग डरते थे या लोग ने इस बात को मिस इंटरप्रेट किया कि शायद औरंगजेब गुस्सा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी भी म्यूजिशियन को पनिश नहीं किया, म्यूजिशियन को कभी नहीं पनिश किया है। म्यूजिशियन को तो गाना बैन करने के बावजूद भी साहब ही बता रहे थे कि तनख्वाह देते ही रहे। अच्छा तो
तो बाद में उसके मौसी ने हीरा भाई को मान्यता चाहा, उसको सपोर्ट कर दिया और हीरा भाई को उसने निकाल दिया। अच्छा। और कुछ ही दिनों में उसका इंतकाल हो गया और उसको औरंगाबाद में दफनाया गया जहाँ बीजी का मकबरा। गायिका थी, तो क्या उनकी इंतकाल से तो कहीं दिल में चोट गया, उनकी याद आ जाती हो कहीं, ये तो चीज उसके अंदर में नहीं था कि जिसके चलते उसने संगीत को, जैसे लोग मैंने अपने दरबार में नहीं अपने खुद शायद सुनना बंद भी कर दिया था उन्होंने औरंगजेब ने। अच्छा। तो यही लोग जो कि अपना तानपुरा वगैरह दफनाने की बात आई, वही लोग शायद जब मोहम्मद शाह रंगीला आए तो वही तानपुरा को शायद फिर से उसमें से निकाला, निकालने की बात हुई थी कि अब निकाल लिया जाए तानपुरा, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? औरंगजेब के बाद ही आए थे। इसके चलते मैंने कहते हैं ये आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। नियमत खान सदारंग और फिरोज खान सदारंग, नियमत खान सदारंग के भतीजे थे फिरोज खान सदारंग और फिरोज खान सदारंग के लड़के थे रुबाब का तो जिक्र है, रुबाब का जिक्र है लेकिन आज जितने सुर सिंगार का भी जिक्र है शायद उस वक्त तो उसी वक्त से उसके बाद दुपहर के बाद सागरा आया। ये क्या होता है? वो एक विधा है गायन की, वो दस मात्रे में होता है। उसके बाद ख्याल आया, ख्याल के बाद टप्पा आया, गुलाम नबी ये गुलाम रसूल के लड़के थे, तो ख्याल गाने का उनका उनकी आवाज इस तरह की नहीं थी तो उनको बाहर कर दिया गुलाम नबी को। वो भटकते भटकते चले गए पंजाब और वहाँ ये टप्पा की गायकी जो थी ये लोक धुन था और वो ऊंट पर जो सवार जाते थे गाते बजाते चलते थे तो ऊंट की जो चाल होती है वो टपक, तो उसी से मैंने कहते हैं तब टपक से ये टप्पा हुआ। अच्छा अच्छा। और इन्होंने मैंने कहते हैं टप्पे की रचना शास्त्रीय ढंग से, क्योंकि गाने बजाने वाले घर के तो थे ही, उनके दिल दिमाग में तो सारी बातें थी, तो उन्होंने टप्पे की वो टप्पा रचा उन्होंने पंजाबी और पश्तो और फारसी
दीवार में, तो वो स्टोरी उनकी बात सुधार थी अच्छा गुलाम रबी की हाँ। और स्टोरी मिया के नाम से ही करते अच्छा तो अपने मासूका के नाम पर सबकों की रचना उन्होंने की और वापस जब आए तौबत के नवाब के दरबार में जब सुनाया नवाब साहब ने उनके खुश होकर उनको बहुत ही इनाम इकराम दिया और तब से वो टप्पे की गायकी चलन में चली। वो थोड़े में वो गायकी होता है वो तान की उसमें बल तेज है एक ही सांस में मैंने कहते हैं वो कहते आवृत्ति ताने वो मोतियों का जैसे होता है टप्पे का चलन होता है बहुत ही खूबसूरत भी गाय है लेकिन बहुत कठिन है खास ढंग से उसको साधना करता है जी। इसलिए वर्तमान में टप्पा गाने वाले बहुत कुछ ही लोग रह गए हैं। मालिनी जी गाती हैं इधर मालिनी राजस्थान है एक पंडित है जी जी राजन साजन भी गाते हैं थोड़ा बहुत हाँ। शाश्वती पॉल एक है वो भी गा रही है ग्वालियर की है और फिर हमारे गोवर्धन मिश्र है रामू जी राम जी हाँ रामू जी तो सारी चीजें मैंने कहते हैं कोई चीज ये जो समझ लेता है जो ये चीज चली गई और नहीं रहेगी ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने दिल्ली में गया था तो वहाँ एक राजा भी आकर के एक आगरा घराने के और उन्होंने उस घराने की गायकी को इतने बढ़िया से पेश किया कि मैं तो हैरत में पड़ गया कि मुझे ऐसे ही लगता था जो आगरा घराना खत्म हो गया के गाने के बाद अब उस दास के गाने बजाने वाले नहीं गए तो मुझे उनके बड़ी हैरानी हुई और जब मैं उनसे मिला राजा मियां से तो उन्होंने कहा हंसते हुए कि जनाब कोई चीज जाति नहीं है वो बुजुर्ग लोग तो हो गए सब अपने अपने मुकाम रख गए लेकिन करने वाला चाहिए और मैं उन्हीं की लीक पर चढ़ के मैंने कहते हैं कि गा बजा रहा हूँ और आप जैसे पार्क के लोग मैंने कहते हैं समझ रहे आप लोग सेवा में कहते हैं इस तरह से तारीफ मिलती है तो इसी तरह से गाने बजाने का सिलसिला चलता रहता है। महफिल जहाँ तक महफिल महफिल गायकी पहले के जमाने की महफिल गायकी के बारे में कुछ बताएं आप। महफिल का जहाँ तक है तो पहले जितने संभ्रांत वर्ग के लोग थे राजे महाराजे तो थे ही नवाब लोग उनके यहाँ पहले आज तरह जिस तरह से कॉन्फ्रेंसेज संगीत सम्मेलन होता था इस तरह का चलन नहीं था ये चीज आम फॉर्म की थी ही नहीं और ऐसा मत कही आम फॉर्म की चीज भी थी। वो तुकोजी राव होलकर हो गए इंदौर के नरेश उनके होली के अवसर पर उनके यहाँ मैंने कहते हैं ये संगीत और सारा सब कुछ होता था तो उसमें आम फॉर्म भी शामिल होते थे फिर बुंदेला टीकमगढ़ में भी इस तरह से होता था होली के अवसर पर तो वहाँ सिद्धेश्वरी बाई के शुरुआती दिन वहाँ जाती थी तो महाराजा ने मैंने कहते उनको एक अलग आकाशवाणी दरबार में क्या जाने के लिए जगह देंगे उनको बाहर मैंने कहते हैं दरबार में अलग चीजें मैंने कहते हैं तो सिद्धेश्वरी देवी की आवाज जो थी सो बरतानवी आवाज थी अपराई बुलंद जैसे गंगू भाई हंगल का था जब सिद्धेश्वरी गा रही थी तो आवाज गई मैंने कहते हैं दरबार में बैठे हुए थे महाराज तो बोले जो ये तो कमाल की गायिका है मैंने कहते हैं इसको कहा हमने गाने के लिए कह दिया दरबार में बुलाओ दरबार में बुला के मैंने कहते बाई जब उनको मैंने कहते हैं ये किया गया तो इस तरह से हमारे पंचगतिया राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में हुआ करता था चर्चा और उनके यहाँ महफिलें होती थी और ऐसी महफिलें जो किराना घराने के दो भाई अब्दुल मजीद खान और अब्दुल हक अब्दुल हक जो थे अब्दुल करीम खान साहब के छोटे भाई थे दरभंगा राज दरबार में भी हो रहे तो ये दोनों लोग गाने के लिए गए थे और 7 दिनों तक सिर्फ मियां मल्हार अच्छा चलता रहा तो 8वें दिन राय बहादुर एक जगह सुबहान अल्लाह तानपुरा उन्होंने रख दिया तो राय बहादुर ने कहा खान साहब क्या बात हो गई आपने तानपुरा रख दिया कहा हुजूर 7 दिनों से मैं मियां मल्हार गा रहा था लेकिन आपके मुख से मुझे जो चाहिए था वो आज मिल गई सुबह उसके बाद क्या सुबह अल्लाह क्या बात है मेरी पत्नी को जैसे उनको भी संगीत का शौक है संगीत सुनने का शौक है
अब मेरे शादी हुई तो मैंने कहा जो मैंने कहा तुमको कुछ साल झेलना पड़ेगा हमको, तो ऐसा क्यों बोलते हैं हमें, तो मैं रात भर गायब रहूंगा, तुम अकेली मैंने कहते रहूंगी घर में, तो ये कम कष्टदायक नहीं है। नहीं, खास करके जो कि आप महफिलों में हैं, हाँ। तो और भी उनको तो और भी बुरा, पता नहीं किसके साथ बैठे हुए हैं। जेल जाओगी तो फिर मैंने कहते हैं सोने में सुहागा का काम होगा, और वो उन्होंने निभा दिया अभी तक। कभी आप पर शक नहीं किया कि आप महफिलों में पता नहीं किसके साथ बैठे हुए हैं? तो आज इतना संगीत में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मेरी पत्नी और मेरा बेटा पूरा गृहस्थी का बात अपने कंधे पर। नहीं, आपने ये अपने बेटे को क्यों नहीं दिया ये सब? उसको शौक ही नहीं था या आपने शौक? मेरी दो बेटियों को उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, बड़ी बड़ी तो गुजर गई, मैंने कहा कुछ सोच भी है, लेकिन गला अच्छा रहने के बावजूद जो कुछ दिल सीखी हो एक जयवती श्रीवास्तव करके, उमेश श्रीवास्तव थे तो देशपांडे जी के साथ उनके पास दोनों बेटियां सीखी थी, लेकिन उनका रुझान ध्यान नहीं था दोनों बेटियों का, तो ये जबरन थोपने की चीज तो है नहीं, लेकिन इतना रिच चीज आपके पास है, आपने कभी फोर्स तो कर ही नहीं सकते, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग है कि आपसे पास ऑन नहीं हुआ। आपके पास क्या होगा, तो हमने देखो देखो तुम्हारी अम्मा तो भी हमको ऊपर पहुँचा दी, तो हमारा बेटा बोला क्यों बोल रही है, पापा का कितना कलेक्शन है वो जैसे है वैसे ही है, ये बर्बाद नहीं होगा, उनका तो मेरा खून बोल रहा है, इसको संगीत से कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ सुनने का ही शौक है, वो चीजें है। मैंने कहते हैं मेरी चार संतानों में मैंने कहते हैं किसी को वो थोपने की चीज तो है नहीं। सही बात, आपने तो देने का तो जरूर प्रयत्न किया होगा इन लोगों को। लोग युवा पीढ़ी के गाँव जा रहे हैं, मुझे ऐसे ही लगता है मैं खुद गाँव जा रहा हूँ, अभी तो केसी है यहाँ, पटना आकाशवाणी में काम कर रहा है, अच्छा खासा तबला बजाते हैं, और उसके बावजूद मैंने कहते हैं संगीत के टेक्स है और इतने अच्छे ढंग से सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे लड़के लोग के लिए मैंने कहते हैं मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है और ये करते रहना चाहिए, संगीत से बढ़ के आनंद की चीज दूसरी हो ही नहीं सकती है। जी, केसी सिन्हा साहब के बारे में तो आपने बताया, मैं भी सुना, वो अच्छा तबला बजाते हैं, और युवा पीढ़ी के बिहार के और बाहर के कौन कौन कलाकार संदीप दास करके तबला बजा काशी रात इसमें छोटे ही से बने कहते हैं प्रोडिजी बने कहते हैं, इसको हम पीठ ठोक ठोक के बने कहते हैं, संजय स्कूल में पढ़ता था, मैंने अपने किसी बच्चों को कभी मैंने कहते हैं खुश होकर दिया नहीं जो बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था तो संदीप महाराज को मैंने 10 रुपये दिया जो बेटा जीते रहो, मैंने कहा किशन महाराज के पास ले जाके हमने उसको महाराज इसको साबित हो जाए आपका नाम प्रोशन करेगा, तो अभी दिल्ली में रहता है अच्छा खासा बजा रहा है, तो सुधीर पांडे यही क्या है ना, यही था अर्जुन पांडे का लड़का है, वो भी बहुत अच्छा बजा रहा है। गायकों में यंग पीढ़ी के गायकों में है मानना चाहते हैं संगीत है, संगीत के भाई जो है अभी दिल्ली आकाशवाणी में है, राजकुमार है जो की दूरदर्शन में है, 1986 में मैंने रिकमेंड करके ICCR में भेजा था दोनों भाइयों का, जो ये लोग सेलेक्ट होके गए फेस्टिवल ऑफ इंडिया रूस। अच्छा, ये जो आपकी नई किताब निकली है बिहार की संगीत परंपरा, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बिहार इस तरह हम नहीं सोचते हैं कि बिहार की संगीत परंपरा पर कभी किसी ने कुछ लिखा है या कुछ लोग जानते भी हैं, ये तो अब सोचते हैं कि महाराष्ट्र में ही रह गया और कर्नाटक में ही रह गया। लेकिन कुछ नहीं मिलता है, मैंने बहुत कष्ट झेल के ये सारा मैंने कहते हैं गाने बजाने वाले लोग जैसे अजीब गरीब शख्स होते हैं, ये
ये लोग अपने घराने के बारे में भी बताने से नहीं चाहते हैं। हम लोग की कौन सी घराना रही है बिहार की, कौन कौन? तीन हाँ, वो तो आपने बताया है। ख्याल का कोई घराना तो नहीं था लेकिन यहाँ। अच्छा, रामू जी मिश्रा का वो ठुमरी उमरी का वो तो बहुत अतीत बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन वर्तमान आजादी के 67 वर्षों में इतना गौरवपूर्ण इतना समृद्ध अतीत रहते हुए ये वर्तमान बहुत ही शोचनीय स्थिति है। वही है जो न तो समाज जागरूक है और सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। ये आपका बिहार महोत्सव वगैरह सब कुछ हो रहा है, सरकार के इतने फेस्टिवल होते हैं, राजकीय फेस्टिवल महोत्सव और विक्रमशिला महोत्सव और वैशाली महोत्सव, लेकिन सारे के सारे बाहर से गाने बजाने वाले बुलाए जाते हैं। यहाँ के नामचीन गाने बजाने वालों को भी मंच नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट ये पक्ष है, क्यों नहीं मान कहता ध्यान रखा। अभी राम आशीष पाठक जैसा गुजर गए हैं, ऐसे ऐसे लोग हो गए। फिर भी जब सरकार इतने फेस्टिवल म्यूजिक के करते हैं तो भाई आप 5 लोग हो गए बाहर से बुलाते हैं तो 2 यहाँ के लोगों को भी तो आप मंच देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पैसा आप खर्च कर सही है, फिर ध्यान में ये हुई घर का जो भी जोगड़ा बाहर का ये कब तक ये रवैया चलता रहेगा? और ऐसे में यहाँ के गाने बजाने वाले घर पर रियाज करते हैं तो नहीं अपनी बात को ये कर सकते, बाहर जाते हैं तो इतना नाम करते हैं।